अनवी ठीक है, दस साल थोड़ी तबियत खराब है यार, बहुत चिचड़ा रही है वो। हाँ चिचड़ा है। आज मैंने सोचा कि तुम आज बस खाली शूट करो और मैं आज सैरी बना दूंगा फटाफट, और सच में उसकी तबियत खराब है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। खुशकी नहीं होती, क्या होता है फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं उसको? हिंदी में हमने बोला खुशकी काटा, हमारे घर में खुशकी काटा। डस्टिंग के लिए क्या बोलते पता है? डस्टिंग क्या, वो साफ सफाई करते हैं। कोई चम्मच से निकाल लेते, डब्बे में ऐसे हाथ नहीं लगा। ये वैसे है जब मर्द खाना बनाएगा तो नहीं नहीं प्लीज, हम पूरा साफ करके रख देंगे, नमक नहीं होगा हाथ में। नमक का पराठा बनेगा नहीं, हम मिला देते सर, आपको अच्छा नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, लगेगा। ये बन गई हमारी लोई, प्लीज हम बना देते हैं। चलो तो यार इसको चलाते हैं ऐसे तो गोल रोटी भी बस। चम्मच से कर सकते थे, फिर साइड से करो। सनी शॉक कर रही हो, तो चिपकाओ जल्दी उसी में से चिपका दो, डाल दो। टैलेंट कमाल का है, मानना पड़ेगा। निकालो, हम खा लेंगे वाला। अगर मुझे यहाँ खड़ा होना ही था तो मैं ही नहीं बना लेती। फ्रेंड मैंने हार मान ली है, आज के बाद मैं कभी पराठे नहीं बनाऊंगा। फ्रेंड मैं हिम्मत हार गया, इसलिए मैंने सबक को थमा दी उसकी कमान। मैं अपने लिए ये बना रही हूँ, एकदम गोल रोटी है। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदी सबक जहाँ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। हमारा डे जो है वो स्टार्ट हो चुका है, अभी हम चलते हैं जोहर की नमाज पढ़ने के लिए। तो अभी हम आ गए हैं फ्रूट्स लेने, सब्जी लेने, और भाई देखिए होली भी है तो यहाँ पे हमारे भाई होली भी खेल रहे हैं। भाई अभी हम आ गए घर, जल्दी से डोर खोल दो भाई। अस्सलाम वालेकुम, हमारा सारा सामान ले आया हूं मैं। हो चुकी है मेरी एडिटिंग, अब बची है सिर्फ इंस्टाग्राम की स्टोरीज। तो ये सोच रहे हैं हम इफ्तार के बाद कर लेंगे, अब थोड़ा सा इफ्तार में सबकी हेल्प कर देते हैं। और एक चीज और कहनी थी, सनी सनी है तो इधर तो आइए। सरप्राइज है क्या? हाँ है सरप्राइज रिजा की तरफ से। ये रिजा ने रखा, मैंने नहीं रखा। रिजा ने फ्रेंड्स आज हमारा रूम सेट किया था, और सेट क्या किया देखो, धोने वाले कपड़े सारे नीचे डाल दिए कि दिखे नहीं आप सबको। बहुत अच्छा कर दिया फ्रेंड्स रिजा ने रूम। और जब मैं अभी आई देखा कि ये तो मतलब उस रूम में भी सनी को बर्दाश्त नहीं होता, ये वाले रूम में सनी की जगह पे लिटा के गई है। फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे हमारे रेस्टोरेंट का जो कलर टेक्सचर डिजाइन वो सब होगी ना वो सिलेक्ट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लास्ट की चीजें बची हुई हैं, पेंटिंग वाली चीजें फाइनल हो जाएंगी, फिर लुक जो है वो कंप्लीट दिखेगा। तो बस हम वही सब डिसाइड कर रहे थे। और सनी जो हम लोगों ने ऑर्डर किया था अमेज़न से वो आ गया। हाँ तमिलनाडु से आई है, मतलब हमने अमेज़न से ऑर्डर किया था लेकिन जो वेंडर हो गए जो भी बनाने वाले होंगे वहाँ से, पता नहीं अभी उस पर चलेगा कि नहीं। उस दिन भाभी को मैंने दिखाया तो भाभी ने कहा कर दो ऑर्डर। बहुत मुश्किल काम है सब बच्चों के सब खिलौने लौने सेट करने, ये मजबूत कर देना। पता चला हम लोगों को पंच का वजह से पसंद नहीं आई। हम लस्सी के लिए थोड़ा दही बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि ठंडा दही में शक्कर घुल नहीं पाती हमारी प्रॉपर तरीके से। किचन में आ चुके हैं फ्रेंड्स, और आज बेटी खड़े लोग बना रही है मंगोड़े मूंग की दाल वाले, तो इसमें तो बहुत टाइम लगता है तलने में ना, देर से होते। हाँ इसको ऐसा नहीं कर सकते कि दाल दो और कच्चा कच्चा हो जाए। और हम लोग बना रहे हैं चिकन कीमा के समोसे जो कि मैंने कभी नहीं बनाया। ये सारी चीजें हमने इरशाद से सब कटवा लिया था। ओए भैया हमने काटी इरशाद से कटवा लिया था। सुनिए ना काटी है तो ओके, देखो मैंने सच बताया कि मैंने ये आधा जीरा डाल के किसने छोड़ दिया, डाल दिया था कि ताकि तुम्हारे लिए आसानी हो जाए। बहुत सारा काम कर दिया। कोई बात, कभी हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। जब तक यहाँ पे प्याज हो रही है तब तक मैं स्टोरीज डाल लेती हूँ, वो काम भी खत्म हो जाए। इफ्तार के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने का मन करता है, फिर लगता है रेस्ट करो, और फिर उसके बाद इसमें पहन के भी फोटो खींचना है। फ्रेंड्स अनबॉक्सिंग स्टोरी करने के लिए देखिए यहाँ पे एक हमें प्रॉपर लाइट की जरूरत होती है, तब जाके आउटफिट का कलर जो है वो ओरिजिनल निकल के आता है। तो अभी जब तक सौरभ दूसरा आउटफिट वहाँ पे देखता है हमें किसकी स्टोरी डालनी है, तब तक हम यहाँ आके अपना ये देख लेते हैं। इसमें चिकन डाल देंगे, थोड़ी देर पकेगा, इसमें हम सूखे मसाले डालते हैं। चिकन में फ्रेंड्स हमको सूखे मसाले डालने, हल्दी मिर्ची और काली मिर्च पाउडर। हमने थोड़ा सा इसमें कैबेज भी डाल दिया, कुछ रेसिपीज में कैबेज था कुछ रेसिपीज में नहीं था, तो हमने कहा ज्यादा सब्जियां होंगी तो अच्छा लगेगा। और यहाँ पे बन रहे हैं गुलगुले, बस ये लास्ट का हमारा काम तमाम। और हमारा टेस्टर टक्कर कम ज्यादा है क्या है, हमें क्या कर सारा
और रिजा तुमने अंदर टैडी क्यों बिठा दिया सनी भाई की जगह में? वो गुस्से हो रहे हैं। अरे इतना अंदर टैडी सनी, आप ही ने बात निकाली है कि मैं लस्सी बनाऊंगा, किसी ने आपसे नहीं कहा था? तुमने उनको लस्सी पी है? हाँ। तुमने जो बाहर पी है, तो ये बार तुम्हें कुछ समझ में आता है? बेस्ट है आपकी लस्सी। पूरा मैं एक अच्छी कभी होगा। हमारे रेस्टोरेंट में स्पेशल लस्सी बाय सनी भी आपको एक मेन्यू में दिखेगा, ठीक है? चुप हो जाओ। फिर सनी के लिए आया है सनी, इसलिए बहुत ज्यादा वो हो रहा है। तो गाइस अभी ये वाली अनबॉक्सिंग हो चुकी है और ये वाली इंशाल्लाह हम करेंगे इफ्तार के बाद। लस्सी हमारी यहाँ बनकर तैयारी हो गई है, अंदर किचन में चल रही है यहाँ तैयारी बहुत जोर शोर से। तुम्हारा हो गया सब काम? सारे काम चलते रहेंगे, असर की नमाज पढ़ लेते हैं। फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स लाइफ में पट्टी वाला समोसा पट्टी यूज करने जा रहे हैं। रिजा शायद बना चुकी है मैंने आज तक नहीं यूज किया है कि कैसे उसको घुमाते हैं, कैसे मोड़ते हैं। फिर हमने कॉर्न फ्लोर ले लिया उसको चिपकाने के लिए। यहाँ पे फ्रेंड्स जो अंदर की फिलिंग है ना, मैं उसमें सॉस डाल रही हूँ क्योंकि सॉस से थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट आ जाएगा। पता नहीं डालते हैं या नहीं रेसिपी में, शायद था। और यहाँ पे जो पट्टी है ना, इसका बड़ा ही ट्रिक होता है, ये मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था और ऐसा मुझे समझा रही थी। जैसे नॉर्मल समोसा होता है, बेल के मैं बना दूंगी, कितने अच्छी आवा बहुत एक दिन ही खुला था मेरा, सोचो कॉम्पिटिशन हो रहा है तो ये ना अपना बनाने रही है। और जब मैं बोलती रिजा मुझे बता दे तो कहेगी मेरे हाथ कांप रहे हैं। लिया सीधा है, इसको ऐसे फोल्ड करना है। ये अभी किसी को ये जो कॉर्नर है ये कॉर्नर से मैच करना है, ये ऐसा हो। अब हो जाएगा, चलिए आ गया फ्रेंड्स आ गया। ये देखिए इसको यहाँ से पूरा ऐसे चिपक रहा है। ये देखो अब यहाँ से इसको चिपका दूंगी। थैंक यू रिजू। एक दाल के फ्रेंड पर ट्राई कर रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से तल जाएगा। बस खुलना नहीं, खुलना नहीं, प्लीज नहीं खुलना। एक खुल गया डालते साथ। जैसे देखो कितने अच्छे से पैक किए हैं, कॉर्न फ्लावर ज्यादा लगाते हैं। ये देखो ना कितना अच्छा, कहीं से नहीं सील पैक हर जगह से। चलो फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम के हिसाब से कुछ ना कुछ तो ठीक बन ही गए। अच्छा स्टार बनाया है। अम्मा अस्सलाम वालेकुम, आज मैं इतना बिजी थी मैंने सलाम नहीं किया। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। बस फ्रेंड्स रोज की तरह अल्हम्दुलिल्लाह हम सबने साथ में बैठ के इफ्तार किया और थोड़ी बस हंसी मजाक की बातें की, फैमिली टाइम। चिकन सही है भाई? अच्छा ठीक है ना, चलो सही है। रिजा बेचारी तो खाएगी नहीं खुद बना के। रिहान तुमने खाया? तार के बाद रेस्ट करके हम लोग निकल गए बाहर। रिहान को हम लोग ड्रॉप करेंगे सैलून में और रिजा के लिए हमें लेनी है साड़ी क्योंकि इसका आने वाला है फेयरवेल। फ्रेंड्स हम लड़कियां बदनाम है कि हम सैलून जाते हैं। मैं तो कब से नहीं गई हूँ लेकिन सनी हर 10 दिन में सैलून चले जाते हैं। क्यों सनी क्यों जाते हो इतना सैलून? बाल बड़े होंगे तो जाएंगे नहीं करवाने? हम लोग जाते हैं बस दाढ़ी या बेचारे बाल, लड़के जाएंगे तो फेशियल और दुनिया भर की चीजें। मैंने कुछ बोला रहने दो। यहाँ पे देखिए कल होली है तो यहाँ पे आज होली का दहन हो रहा है। हम पहुँच चुके हैं शांति नगर मार्केट। जैसे ये वाली ले लो ना, नेट वाली तेज बनो जो चाहिए वो साड़ी दिखा दीजिए। फ्रेंड्स ऐसी आदत डलवानी पड़ती है तेज बनने की। कोई सा कलर नहीं ट्राई करना, ब्लैक चाहिए। अच्छा वेलवेट का है ना, फिर आप प्लेन दे दो वो वाली, ठीक है?
पहली बार तुम लोग आज जल्दी काम करके आई हो। फ्रेंड सनी के कुर्ते के ना कपड़े लेने थे, हम लोग आ तो गए यहाँ पे हैदरी चौक, इतनी ज्यादा भीड़ है, हमारे कांच इतने गंदे हैं कि आपको क्या दिखाऊं। तो इतनी ज्यादा भीड़ है कि हमें लगता नहीं कि हम उतर पाएंगे। मैंने तो पुलिस बहुत थोड़ी यहाँ, पुलिस बहुत खड़ी है। ऑटो से ही आएंगे, जब भी आएंगे नहीं हो सकता है, देख रही भीड़। देखिए यहाँ से वहाँ जा नहीं सकते, यहाँ पे उन्होंने बीच में लगा के रखा है, क्या लगा के रखा है, बैरिकेडिंग। बहुत लाठी मारती है पुलिस। आज फेनी की दुकान में भीड़ नहीं है, बच्चे देखो कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। अरे वाह, आपकी किस्मत तो अच्छी हो गई, सनी को एक शॉप खुली हुई दिख गई, यहाँ से उन्हें मिल जाएंगे कुर्ते के कपड़े। तो सनी को उसकी पसंद की एक दुकान तो मिली मीरा रोड में। हो चुका है, अब इतनी आलस आ रही है कि जब से मैं बस अब हो गया, लेकिन अभी डिनर भी करना है और इशा की नमाज भी पढ़नी है। शैतान को दिया है भगा, वजू कर लिया, अब चलते हैं पढ़ लेते हैं इशा की नमाज। मैच क्या शुरू हो गए कि मतलब बस सर, पता है अभी पानी देख के मुझे ऐसा लगा, अरे पानी नहीं पीना रोजे में हो, मुझे इफ्तार के बाद भी लगता है रोजे में हो। ये क्या सामान लेके आए हो? ये कुछ रोल बनाना। सब हम लोग कर रहे हैं डिनर, दाल चावल अचार और सैलेड। सोच रही हूँ चाय बना लेती हूँ, बहुत देर उधर टाइम पास कर लिया, रस आ रहा है, से कॉल पे बात कर रही है। सनी कह रहे मुझे मेरा मी टाइम चाहिए, वो अपने फोन पे लगे हुए हैं। मैंने कहा मैं क्या करूँ, मुझे करना है एक फोटो शूट, लेकिन मैंने कहा उससे पहले बना लेती हूँ मैं चाय। ये देखो यहाँ पे बात चल रही है, चाय पत्ती है, ये इसलिए लगा है। फ्रेंड्स अनबॉक्सिंग स्टोरी करी थी ना इंस्टाग्राम पे, टेंट आए हुए थे तो वो दिखा रही थी। रिजा चाय पियोगी? चाय पियोगी? रिजा ने चाय भी छोड़ दी है। यहाँ पे फ्रेंड्स बना लिए मैंने अपनी चाय और फिर से कैंडल जला ली है और लाइट्स भी जला ली है। यहाँ पे बैठ के मैं कैंडल लाइट चाय एंजॉय कर रही हूँ। इतनी अच्छी चाय पी ली है, अब लग जाते काम पे। क्या बन रहा है फ्रेंड्स? ये काम मेरे जैसे नहीं करा रही, वो अपनी इच्छा अनुसार कर रही है। मतलब ये सब ये नहीं, अपने खुशी से, अपने तसल्ली से, उसका एग्जाम खत्म हो गया, उसे कुछ ना कुछ करना है तो इसलिए वो बना रही है, बन जाएगा तो आपको दिखाएंगे। पता चला बोलने लगी बच्ची से, इतनी रात में काम करा रही है। अच्छा अभी पराठे बने हैं और ये अंदर का आलू। आलू बहुत खतरनाक है यार, ये आलू को लेने से हलवा होगा उसका, सूजी का हलवा। इसमें कोई सब्जी तो डालो? सब्जी नहीं डलती, वो ऊपर से प्याज और वो सब। अच्छा ये आलू रोल बना रही है, इतने सारे मत बनाओ, कौन खाएगा? नहीं ठीक है सालू, मैं सारी कर लूंगा दो पराठे। हाँ। नमक नहीं है। कोई बात नहीं, बिना नमक के मैंने कल कर लिया। बिना नमक के कल तो मेरे पराठे देखे नहीं लग रहा है। नहीं देखे नहीं, बना वरना वेस्ट हो। अब आपको एक दे देना, अपने लिए बना लो सनी भाई को पराठे। चलो काली परी, चलो काली परी, चलो। मुझे ये पहन के बहुत अच्छा लगता है। अब जा रही हूँ मैं कुरान पाक पढ़ने। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अब मैं जल्दी से हो जाती हूँ रेडी, आउटफिट मैंने पहन लिया है। सोचा आपके सामने आज मेकअप करती हूँ, मेकअप मुझे अच्छे से नहीं आता, लेकिन जैसे भी करती हूँ आपको दिखाती हूँ और उसके बाद उसको लगा दूंगी फास्ट फॉरवर्ड में, आप देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं अपने फेस पे जो मिस्ट है वो स्प्रे कर रही हूँ, जिससे फेस में ना थोड़ा हाइड्रेशन नजर आए तो एकदम नेचुरल सा मेकअप लगता है। उसके बाद बहुत सारा मॉइस्चराइजर, क्योंकि मेकअप ना फ्रेंड्स मेरे हिसाब से दो तरीके के होते हैं, एक बड़ा सूखा सूखा चेहरा लगता है, गीला गीला, तो गीला लगना चाहिए। यहाँ पे मैंने हाथ में फाउंडेशन तो निकाल लिया, फिर मुझे याद आई कि पहले कंसीलर लगाते हैं क्योंकि डार्क सर्कल्स भी छुपाने हैं। मेकअप आर्टिस्ट को देखा था, नाक में भी लगाते हैं, मत्थे पे भी लगाते हैं। उसके बाद ये जो क्या कहते हैं ब्यूटी ब्लेंडर होता है ना, उससे अच्छे से पूरा ठोक ठोक के उसको ठीक कर ले रही हूँ, और उसके बाद लगा लेंगे हम अपना फाउंडेशन। थोड़ा सा फाउंडेशन लेके पूरे फेस पे लगा लिया है और जो बचा हुआ है ना उसे विस्ट नहीं करना, पूरा ब्यूटी ब्लेंडर पे पोंछ दिया है और फिर से हम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से पूरे फेस पे ठोक ठोक के इसे एकदम सेट कर देंगे। नेक का हो जाएगा इसलिए नेक पे नहीं लगा रही हूँ, फाउंडेशन और ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। फाउंडेशन लगाते लगाते देखा कि साइड में अब हेयर की ग्रोथ जो है वो फिर से आ गई, अब लगता है फिर से लेजर ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे खुद अपना फेस देख के हंसी आ गई, एकदम भूत की तरह लग रही है, और सनी भी हंस रहे थे। अब आईब्रो में कर लेते हैं, आईब्रो का ये पैलेट तो मिला लेकिन ब्रश नहीं था, फिर दूसरा वाला मेरे पास है लिक्विड वाला, तो फिर मैंने कहा यही वाला कर लेती हूँ। आईब्रो इतनी बड़ी बड़ी हो गई है तो उसको वैसे ऊपर करके देख रही थी कि कितना और भूत वाला चेहरा हो गया। कॉन्टोर वाला पैलेट नहीं मिल रहा था, ये बहुत पुराना फेक वाला मेरा उदय ब्यूटी का पैलेट है, ये बहुत पहले से मेरे पास है, आप इसे जानते होंगे। इसमें ना बहुत अच्छे शेड से इसका ओरिजिनल मैंने भाभी से दुबई से जब मंगवाया तब पता चला कि अब ये आना ही बंद हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें बहुत अच्छा ब्राउन शेड था तो उससे मैं अपने फेस को थोड़ा पतला दिखाने की नाकाम कोशिश करती हूँ। यहाँ पे मैं सनी से बोल रही थी
रजनी सब मुझे जब मेकअप करते हुए देखेंगे तो क्या सोचेंगे? जब मुझे खुद अपने आप में इतनी हंसी आ रही है तो आप लोग भी तो हंसी रहे होंगे। अच्छा, मेरे पास ओरिजिनल वाला भी हुदा ब्यूटी का पैलेट है, सिर्फ फेक वाला ही नहीं है। ये वाला भाभी जो इससे पहले बार दुबई गई थी यहाँ से 2-3 साल पहले, तब लेके आई थी। ये भी बहुत अच्छा है, इसमें जब आपको न्यूड मेकअप करना होता है ना तब बहुत अच्छा होता है। इसमें हल्के हल्के पिंक शिमर न्यूड वाले कलर्स है। ब्रश फिर से नहीं मिल रहा था, मतलब अंदर रखा था, मुझे लगा अब कौन जाएगा लेने, इसलिए मैंने फिंगर से ही लगा लिया। और हम लगाएंगे अपने फेस पे ब्लश, अपने चीक्स को गुलाबी गुलाबी दिखाएंगे, हम और भी ज्यादा क्यूट लगे। और पीछे से ना सनी के मासूमाना सवाल जो थे वो चालू थे कि सिर्फ हंस के ही क्यों लगाते, बिना ऐसे लगाएंगे तो नहीं लगेगा क्या? अब ये आंसर तो सारे मेकअप आर्टिस्ट ही कर सकते हैं कि ब्लश लगाते वक्त क्यों हंसते। लिप्स की बारी आती है तो पहले मैंने ब्राउन से आउटलाइन कराया, अब न्यूड कलर की लिपस्टिक लगा रही हूँ एकदम नेचुरल दिखाने के लिए। जब तक लिपस्टिक सूखेगी तब तक थोड़ा सा मस्कारा, ज्यादा नहीं करना था क्योंकि फिर निकालने में बहुत मेहनत लगती है, और थोड़ा सा पिंक वाला टिंट कि एकदम नेचुरल लुक आए। अगर आपकी कभी भी लड़ाई हो जाए ना घर में, अगर आपकी बीवी से लड़ाई हो जाए तो उसको बोल दो मेकअप करने हो जाएगा। जब मेकअप करी तो ऐसा ऐसा मुंह बनाती है, पता नहीं अजीब है, कहीं ऐसे वाला मुंह बनाती है, फिर यूं यहाँ लगा के हंसेगी भी। बच्चा रो रहा तो भी मेकअप करवा दो, तो भी उनको मुंह देख के बच्चा हंसने लगेगा। आधी ना करने यारो, 3 बजे फोटो खिंचा रहा हूँ। इसमें कट 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 जमाऊंगी उसे, कल कर लेंगे।